नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करने के कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन भोजन करने के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको अपने जीवन में रोग घेर लेता है और उसको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि मित्रों शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक नजरिए से भी सही माने जाते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य नियम के अनुसार भोजन करता है तो वो अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो आप भी भोजन करते समय उस इन नियमों का पालन अवश्य करें, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जान लेते हैं कि वो भोजन के कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले भोजन करने से पहले आपको अपने शरीर के पांच अंग यानी कि आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और अपने मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। और फिर आपको भोजन करने से पहले अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता की स्तुति करते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। घर में भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र का जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। और भोजन घर वालों को खिलाने से पहले आपको रोटियां, जिसमें सबसे पहले एक गाय के लिए और उसके बाद अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। हो सके तो आप भोजन किचन में सभी के साथ बैठकर ही करें। अगर आप परिवार के सभी सदस्य अलग अलग भोजन करते हैं तो सभी में मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। भोजन का समय जो होता है वो प्रातः काल और शाम के समय की भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक और सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति एक समय ही भोजन करता है वो योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। सबसे बड़ी बात, भोजन आपको उत्तर और पूर्व दिशा की और मुख करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की और मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा की और मुख करके किया हुआ भोजन खाने से रोग की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें कि आपको गलती से भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अपने हाथों में रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में रखकर भोजन करने से दरिद्रता आती है। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। गृह कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। पीपल और वाट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि परोसे हुए भोजन की आपको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे आप भोजन में कमियां निकलते हैं। और साथ ही याद रखें कि भोजन किसी के घर कर रहे हो तो कभी नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए। साथ ही जूते पहनकर या सर ढक कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन का स्वाद कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत तीखा और बहुत मीठा भोजन कभी नहीं करना चाहिए और साथ ही किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही आधा खाया हुआ फल मिठाई फिर से नहीं खानी चाहिए। साथ ही मजबूरी में अगर आपको खाना छोड़कर उठ जाना पड़े तो दोबारा भोजन करने नहीं बैठना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति आपको ढिंढोरा पीट कर भोजन करा रहा हो वहाँ पर जाकर आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी पशु जैसे कुत्ता इनके द्वारा छुआ गया भोजन भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। रजस वाली स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन करना भी अनुचित है। बासी और मुख से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन करना भी अनुचित है। अगर भोजन में बाल निकल आए तो भी उस भोजन को ना करें, क्योंकि वो भोजन खाने से दरिद्रता आती है। शराब बेचने वाले के हाथ से दिया हुआ भोजन और ब्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ भोजन भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि भोजन के समय आपको शांत रहना चाहिए
और रात्रि के समय आपको भर पेट भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर भोजन करते समय बोलना है तो किसी सकारात्मक बात पर ही चर्चा करें, किसी गलत बात पर चर्चा ना करें। भोजन को आपको 32 बार चबाकर खाना चाहिए, सबसे पीला मीठा, फिर नमकीन और फिर कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बाल, सुख, संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। और आपको भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। साथ ही भोजन के पश्चात मेहनत के काम ज्यादा नहीं करने चाहिए। भोजन के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि समय 100 कदम टहलना और बाईं करवट से लेटना बहुत ही अच्छा होता है। उससे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। रात के खाने के 1 घंटे बाद दूध पीने से और केला खाने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अरुण को कुछ खास संकेत दिए थे भोजन के बारे में। उन्होंने कहा था कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे थाली विष्टा के समान होती है। भीष्म पिता कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी अगर आप उस भोजन को खा लेते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भोजन के पूर्व कोई उस थाली को लांघ कर गया हो तो इसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझकर छोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वो थाली अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि आपके घर में होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। उनके अनुसार अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को शराब के समान माना जाता है, क्योंकि पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। आपको बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।